अस्सलाम वालेकुम फूडी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर रोल्स की, जो कि आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और मज़े के बनते हैं। चलिए देखते हैं इसे हमें बनाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पहले पनीर को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए हमने आधा कप दही, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से लेके उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसमें एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 300 ग्राम पनीर ऐड करेंगे, जिसे मैंने क्यूब्स कर लिया है। उसे बहुत जेंटली मिक्स करेंगे ताकि पनीर के टुकड़े टूटे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे एक साइड पे। अब एक पैन में थोड़ा मक्खन और तेल साथ में गरम करके इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी वेजीज आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने गाजर लिया है, कैप्सिकम और अनियन लिया है। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप वेजीज कोई सी भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। अब देखिए, मैंने वेजीज को इस तरीके से साइड में लगा दिया क्योंकि मैंने पनीर बीच में ऐड किया है। पनीर को भी हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पनीर को कुक नहीं करना है, नहीं तो पनीर बहुत रबरी हो जाता है। मैं इसे हाई फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि इसका पानी पूरा ड्राई अप हो जाए और फिर इसे हल्के हाथ से हम सारे वेजीज में मिक्स कर लेंगे। इसे हल्के हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं। अभी मैंने एक नॉर्मल रोटी ली है, जो नॉर्मल आटे की हम रोटियां बनाते हैं घर में, रेगुलर जो रोटी चपाती बनती है बस वही मैंने ली है। उसके चपाती बनाई है और उसे घी से रोस्ट करके अच्छे से उसको एक चॉपर पे मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने हरी चटनी में थोड़ा मेयोनीज मिक्स कर लिया है और उसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा पनीर का मिक्सचर रख रही हूँ। अब इस पे थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा टोमेटो केचप डाल देंगे और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। हमें इसे थोड़ा टाइट फोल्ड करना है ताकि फीलिंग हमारी बाहर ना निकले और रोल हमारा खुले नहीं। अब मैंने पार्चमेंट पेपर ले लिया है, उससे मैं इसे रैप कर रही हूँ। आप चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पनीर के मज़ेदार रोल बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।